अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रखंड के हरपुर शिवालय मंदिर परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया। योग कार्यक्रम में बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। योग गुरु गोविंद जी महाराज ने योग करवाया। मौके पर सांसद सिग्रीवाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने योग अपनाने के लिए पूरी दुनिया को संदेश दिया। पीएम नरेंद्र मोदी व बाबा रामदेव योग को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठापित किया, यह हमारे लिए गौरव की बात है। स्वस्थ जीवन और स्वस्थ मन के लिए योग बेहद जरूरी है। योग गुरु गोविंद जी महाराज ने कहा कि हम संकल्प लें कि सुबह उठकर नियमित रूप से योग करेंगे। योग हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। देखिए, हम योग स्वस्थ रहने के लिए भी करते हैं और योग समृद्ध रहने के लिए भी करते हैं। अगर हम योग कर करके स्वस्थ होंगे तभी हम समृद्ध ही बनेंगे और तब हम अपने अपने परिवार और देश को भी समृद्ध बनाने का काम करेंगे। आज हम भारतवासियों को गर्व है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने इस योग को दुनिया में स्थापित करने का काम किया है। आज दुनिया के हर जाति और धर्म के लोग इस भारत के इस मंत्र को अपना रहे हैं और स्वस्थ रहने का वह मंत्र और तंत्र अपने जीवन में उतारने का काम कर रहे हैं। आज लगभग 200 देशों में आज का यह योग आज यह चल रहा है और अपने हर लोग अपने जीवन में उतारने का काम कर रहे हैं। मैं इस योग के माध्यम से मैं अपने देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर आयु उम्र के मैं अपने सभी देशवासियों को, मैं अपने सारण वासियों को, बिहार वासियों को, महाराजगंज वासियों को मैं आग्रह करूंगा कि आप योग नियमित करें, स्वस्थ भी रहें और समृद्ध भी बनने का काम करें और समाज को भी समृद्ध बनाने का काम करें, अपने अंदर के विकारों को दूर करें और सद्विचारों को अपने अंदर लाने का काम करें।